हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल फूड मैजिक विद पिंकू प्रीति। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी दही बड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये बहुत ही सॉफ्ट टेस्टी और सुपर डिलीशियस है और बनाने में भी बहुत ईजी। अगर फ्रेंड्स हमारी रेसिपीज पसंद आए तो आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी जरूर शेयर करें। तो चलिए चलते हैं इस रेसिपी के लिए। इसके लिए हमने ले लिया है 1 कप उड़द की दाल बिना छिलके वाली, उड़द की धोई भी इसे कहते हैं। इसको अच्छे से क्लीन करके और 4 से 5 घंटे के लिए हम कम से कम भिगो करके रख देंगे। ये अच्छे से फूल जाने के बाद में ये देखिए फूल गई है और अब हम इसे बिल्कुल मिक्सर में जो है फाइन पेस्ट बना लेंगे। हल्का सा दरदरा होगा तो भी ठीक रहेगा और इसमें जो है आप ग्राइंड करिए पहले बिना पानी के और फिर जो है पानी की ज़रूरत हो तो थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें बारी बारी ऐड करेंगे। हमें इसको बिल्कुल लिक्विड ही नहीं रखना है। इस तरीके से देखिए स्पून से घुमाते हुए थोड़ा सा पानी ऐड करिए और फिर जो है मिक्सर को चलाइए। तो जितने जो है पानी में ये आसानी से जो है पिस जाए उतने पानी में जो है हम बिल्कुल स्मूथ सा एक ये देखिए इस कंसिस्टेंसी का हम जो है पीस लेंगे और ये जो है एकदम फाइन भी नहीं है और ना ही ये दरदरा है। तो इस तरीके से जो है हमने पीस लिया है और सारे जो है इसको निकाल लेंगे हम पिसे हुए उड़द की दाल को और इस तरीके से हम फेटेंगे। ये खूब फ्लफी हो जाएगा और इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और इसको हम तब तक फेटेंगे जब तक कि जो है इसमें एरेशन ना हो जाए। और एक जो है पानी की कटोरी ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा हम ड्रॉप करके देखेंगे कि ये जो है अगर पानी के ऊपर तैरने लग रहा है तो जो है इसका मतलब ये हमारी फिटाइज की अच्छे से हो चुकी है और ये बिना इनो के बिना सोडा के बिल्कुल परफेक्टली जो है ये फूला हुआ बनेगा। और इसके लिए 4 से 5 मिनट कम से कम हमें फेटने की ज़रूरत होगी। और ये देखिए हमारा जो है बैटर बिल्कुल ऊपर जो है फ्लोट होने लगा है, इसका मतलब हमारा फेटा हुआ जो है और पिसा हुआ ये उड़द का दाल का मिक्सचर रेडी हो गया है। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे और ग्रेटेड हमने डाल दिया है अदरक और इसमें ऐड कर लेंगे 1/4 टीस्पून हींग और 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके और अब हम पकौड़े तलने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई में जो है ज़्यादा सा तेल ले लिया है, ये जो है पकौड़े उसमें डूबे हुए होने चाहिए, इतना तेल जो है इसमें सफिशेंट होना चाहिए। और थोड़ा सा जो है बैटर हमने डाल करके चेक कर लिया कि तेल जो है हमारा अच्छे से गर्म है या नहीं और देखिए ये जो है तुरंत ऊपर आ गया। इस तरीके से जो है आगे के पकौड़े अब हम तल लेंगे और अब हम जो है हाथ में पानी लगा लेंगे और छोटे छोटे इस तरीके से बॉल के शेप के हम बना लेंगे और फिर तेल में हम फ्राई कर लेंगे। एक साथ हमें बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, जितना कढ़ाई में तेल हो उसके अकॉर्डिंग ये डालें। और बॉल के जो साइजेज हैं वो जो है ना ही बहुत बड़े हों ना ही बहुत छोटे, छोटे होंगे तो जब दही में डालेंगे हम इसको तो उसमें मिक्स हो जाएंगे और बहुत बड़े होंगे तो अंदर तक पेनेट्रेट होने में थोड़ा सा जो है टाइम लगेगा। और ये देखिए हमारे जो है बॉल्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं साइज में और जब एक तरफ से जो है लाइट गोल्डन हो जाए तब हम इसको टर्न कर लेंगे और दोनों तरफ से जो है इस तरीके से जो है हम क्रिस्पी अपने पकौड़े तल लेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये चटनी के साथ में या ऐसे भी खाते हैं लोग। और इसे हमें बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना है, लाल हमें कर देने पर इसका जो है टेक्सचर क्रिस्पी ज़्यादा हो जाएगा और सॉफ्टनेस इसकी कम हो जाएगी। और देखिए दोनों तरफ से जो है हम लाइट गोल्डन जो है फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारे बड़े रेडी हो गए हैं और इनका तेल हम जो है निथारते हुए एक्सट्रैक्ट करते हुए हम बाहर निकालेंगे सारे बड़ों को। और अब इसी तरीके से सारे अपने बड़ों को हम तल लेंगे और ये देखिए हमारे सारे बड़े रेडी हो गए हैं और ये बहुत ही फ्लफी बने हैं। ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस और टेक्सचर कितना अच्छा आया है। और अब इनको हम गुनगुने पानी में डिप कर देंगे इन सारे बड़ों को। पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। और इसमें हम मिक्स कर देंगे 1 स्पून चीनी और 1 स्पून नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये घुल जाए जब तब हम अपने सारे बड़ों को इसमें ऐड कर देंगे और 15 से 20 मिनट तक के लिए इसमें हम ढक करके छोड़ देंगे। और अब जब तक जो है बड़े जो है रेस्ट कर रहे हैं तब तक हम जो है एक इसके लिए चटनी बना लेते हैं। और इसके लिए हमने ले लिया है 1 कप धनिया और 1/2 कप पुदीना
और इसमें 4 हरी मिर्च हमने ऐड कर दी है और 1 स्पून नमक। और इस चटनी में हम कोई लहसुन वगैरह नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा पानी डाल करके या आइस क्यूब डाल करके आप इसकी चटनी बना लें। और ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है और ये हमारे दही बड़े को बिल्कुल नया एक लेवल दे देगी। और ये हमारे दही बड़े सोक हो गए हैं और इनका जो है हम पानी इस तरीके से हल्का सा स्क्वीज करके निकाल देंगे, बहुत ज़्यादा हम नहीं दबाएंगे। इस तरीके से हम सारे दही बड़ों को पानी जो है एक्स्ट्रा पानी उनका निकाल करके और साइड में रख देंगे, इनको नॉर्मल होने देंगे और तब तक हम जो है दही का तैयारी कर लेते हैं। और इसके लिए हमने ले लिया है 500 ग्राम दही और इसको इस तरीके से मोटी वाली छन्नी से जो है हम सारा दही स्पून से हिलाते हुए हम छान लेंगे। इससे हमारी दही बिल्कुल भी दही बड़े में पतली नहीं होगी और एकदम क्रीमी जो है रेस्टोरेंट स्टाइल जो दही होती है ना वो स्मूथ और थिक बहुत ही टेस्टी फिर ये दही आपको लगेगी। और जो दही बड़े में क्रीमी जो है दही का टेक्सचर आएगा तो वो मुंह में बिल्कुल माउथ मेल्टिंग दही बड़ा और साथ में क्रीमी दही मज़ा आ जाएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 5 टीस्पून शुगर। चीनी जो है ये हमारे दही को एक नेचुरल मिठास देगी। और इसमें जो है ये जीरा पाउडर, हमने 2 स्पून जीरा पाउडर डाल दिया है और 1 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून प्लेन जो है टेबल सॉल्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल क्रीमी जो है दही हमारी रेडी हो गई है दही बड़े के लिए। और चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। इसके लिए जो हमने भीगे हुए दही बड़े थे उस पर जो है ये 2 टीस्पून अपने दही को ऐड किया और अब हम डाल देंगे इसमें हरी चटनी, मीठी चटनी और अगर आपके पास अनार हो तो अनारदाने डाल सकते हैं। और मैंने इसमें जो है ग्रेप कट करके डाला है, 1 अंगूर के पीस को जो है फाइन बिल्कुल चॉप कर लिया और उससे जो है मैंने इसे गार्निश किया है। और अब हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे 1 पिंच जीरा पाउडर और 1 पिंच इस पर रेड चिली पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और अंदर तक ये बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफी जो है दही बड़े बने हैं। और फ्रेंड्स अगर जो है आपको जल्दी से ये दही बड़े ख़त्म करने हो तो आप पूरा जो है बड़ा दही में सोख करके रख सकते हैं और चटनी और मसाले और फ्रूट्स जो है आप चाहें तो सर्व करते समय स्प्रिंकल कर सकते हैं, उससे दही जो है अंदर तक पेनिट्रेट हो जाता है और दही बड़े का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन अगर लंबे टाइम तक रखना है तो आप पूरे दही को मत जो है मसाले में ला के रखिए, नहीं तो दही जो है खट्टी हो जाएगी। आप बड़े अलग से रखिए और दही जो है में तुरंत मसाले मिला करके आप ऊपर से सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप दही बड़े ज़रूर बनाएं और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को खिलाएं। बताएं आपको कैसी लगी रेसिपी और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर करें। फिर मिलती हूँ।